इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स में से एक हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुकेश अंबानी की संपत्ति 40.30 अरब डॉलर है, यानी इतनी संपत्ति से मुकेश अंबानी 20 दिनों तक देश का खर्च उठा सकते हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग ने रॉबिनहुड इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स के मुताबिक उनकी सूची में 49 देशों को शामिल किया गया है। साथ ही उस देश के खर्चे और वहां के सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति भी दर्शाई गई है। ऐसे में इन अमीर लोगों में शुमार किए गए मुकेश अंबानी को देश की सरकार का खर्च उठाने का अगर मौका दिया जाए तो वो 20 दिन तक देश का खर्च वहन कर सकते हैं। दिसंबर 2017 तक मुकेश अंबानी की संपत्ति 40.3 अरब डॉलर थी। वहीं भारत के एक दिन के खर्च की बात करें तो ये 1.98 अरब डॉलर प्रतिदिन आता है। ऐसे में इंडेक्स में चौथे पायदान पर पहुंचे मुकेश अंबानी पूरे 20 दिन तक सरकार का खर्च उठा सकते हैं। इस मामले में मुकेश अंबानी ने चीन और अमेरिका के अमीरों को भी पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, साल 2018 के रॉबिनहुड इंडेक्स में दुनिया भर के और देशों के अमीरों की दौलत और उनके देश के एक दिन का खर्च निकाल कर ये देखा गया है कि आखिर वो कितने दिनों तक अपने देश का खर्च उठा पाएंगे। ब्लूमबर्ग के रॉबिनहुड इंडेक्स में पहले पायदान पर हैं अमेरिका के जेफ बेजोस, जो अपने देश का 5 दिन का खर्च उठा सकते हैं। इसी तरह स्पेन के अमानसियो अतेरगा, जो 48 दिन तक अपने देश की फंडिंग कर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर चीन के जैक मा महज 4 दिन तक देश का खर्च वहन कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर अंबानी 20 दिन तक सरकार को फंड दे सकते हैं। वहीं फ्रांस के बर्ना एनहो 15 दिन, मैक्सिको के कार्लोस स्लिम 82 दिन, हांगकांग के लीका शिंग 191 दिन, तो वहीं ब्राजील के जॉर्ज पाउलो लेमन 13 दिन, जबकि इटली के जोवानी फेरेरो 9 दिन तक सरकार को फंड देकर देश को चलाने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आपको बता दें कि 49 अमीरों की इस लिस्ट में 4 महिलाएं भी हैं, जो अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, चिली और नीदरलैंड के अमीरों में शुमार हैं। वहीं ब्लूमबर्ग की सूची में छोटे से देश साइप्रस के सबसे अमीर शख्स जॉन फ्रेडरिकसन ने वहां की सरकार का 1 साल का खर्च उठा सकते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।